आज बहुत बिजी रहने वाले हैं। हमें प्रैक्टिकल, क्विक और पंक्चुअल होना पड़ेगा। हमें ये जॉब जितनी जल्दी हो सके उन्हें देना है। सब कुछ तो सही दिख रहा है। मुझे लगता है कि हम जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। सब कुछ चेक करना पड़ेगा। जे, भूलना मत कि तुम्हें सारे इक्विपमेंट्स कल ही डिलीवर करने हैं, ठीक है? अच्छे से याद रखना और चेक कर लेना, ओके? इसे फिर से यहाँ पर कौन लेकर के आ गया? मुझे टेंशन कितना देती रहती है, और कोई काम धंधा नहीं है। इनको टेंशन देने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। आज एक डिलीवरी तो पुश हो ही जाएगी, तुम देखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आइलैंड, वेलकम। मैं सोच ही रही थी कि तुम कब ज्वाइन करोगी। थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए। ओ, मैं भी बिल्कुल यही सोचती हूँ। और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जारिन। आज मैं बहुत खुश हूँ, तो प्लीज मेरा मूड खराब मत करना। और मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, बस बैठूंगी और देखती रहूँगी। देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग पुलन। गुड मॉर्निंग जान, कहाँ है? अभी तो यही थे, मैं देखती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगी, रहने दो। वो देखो आ रहे हैं। वो रहा वहाँ पर, मैं जाती हूँ उसके पास। वो कल रात मिली नहीं ना मैं उससे, तो मैंने उसे बहुत मिस किया। चलो ठीक है, बाय। कोई बात नहीं। सनीम, तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मेरे लिए कॉफी जरूर लेकर आना। जरूर लाऊंगी। थैंक यू सो मच। जान, हे, कैसे हो? कल नींद आई तुम्हें? हाँ, नींद तो काफी अच्छी आई। तुम्हें पता ही है मुझे ऐसी जगह काफी पसंद है, तो नींद अच्छी थी। अच्छा, वैसे यहाँ पर काफी गर्म है और ह्यूमिड भी है। तुम घर पर रुक सकती थी, स्विम कर सकती थी, यू नो। नहीं, मैं शूटिंग शुरू होने से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, लेट्स गो। चलो बात करते, चलो उधर चलते। कम ऑन। आपने डेरिन को देखा क्या, मिस डेरिन? हाँ, वो उस तरफ गई है जान के साथ। वो दोनों एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं। तुम उन्हें अकेला छोड़ दो ना। ओके, मैं उन्हें जाके देखती हूँ। अरे वो कुछ रोमांटिक बातें कर रहे होंगे, कॉफी की जरूरत नहीं होगी। फिर भी देनी है तो दे दो। ये लो, इसे देखो। जान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताओ कि हमने कई साल एक साथ बिताए हैं, तो इनकी कोई इम्पोर्टेंस है? ऑफ कोर्स स्पेशल है। स्पेशल? मैं शॉक्ड हूँ जान कि सनीम तुम्हारे आसपास ही रहती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि सनीम नेबरहुड में रहती है, क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम एक नेबरहुड की लड़की से मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? तुम मानते हो ना इस बात को? प्लीज बताओ जान कि क्या वो सही लड़की है दोस्ती के लिए? हाँ बताओ मुझे। और जान बाकी चीजें तो रहने दो, तो वो एक दिन के लिए भी अच्छी नहीं है, समझ रहे हो? और आखिर में क्या होगा? हाँ, उसका दिल भी टूट जाएगा, है ना? उसे दर्द होगा क्योंकि तुम उसके साथ जिंदगी भर नहीं रह सकते, समझ रहे हो? तुम भी जानते हो ना कि उसका और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, लेकिन तुम उसे किसी उम्मीद में रखोगे तो ये सही नहीं है ना? यार तुमने, ठीक है मैं रुक जाती हूँ, लेकिन मुझे कुछ करना है, समझे? तो हम कल तक साथ वक्त गुजारते हैं, उसके बाद तुम सोचना और मुझे बताना कि तुम्हें क्या करना है, सब बताना मुझे, ठीक है? ठीक है। देखो पॉलिन, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि हम इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं और ये आखिरी बार होगा। मुझे कुछ और नहीं कहना है, सब खत्म हो चुका है।
इट्स ओवर, मुझे और कुछ नहीं कहना, सब कुछ एक अच्छे नोट पे खत्म करना बेटर है। और अनफॉर्चुनेटली तुम इसे एंड्योर नहीं कर सकती तो तुम जा सकती हो। मिस्टर जॉन, शूटिंग के लिए सब रेडी हैं, आप आ जाइए। आई एम कमिंग। ठीक है, तुम जाओ।